नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुहासिनी वाजपेयी, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। आज आपसे वृद्धि एवं विकास विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसमें हम वृद्धि एवं विकास में क्या भिन्नता है, उसके क्या सिद्धांत हैं और इन दोनों में क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि एक शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के बारे में जानना क्यों आवश्यक होता है। एक शिक्षक को यदि वह अपने विषय वस्तु में विशेषज्ञता रखता है तो साथ साथ ये भी आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी कक्षा में उपस्थित शिक्षार्थियों के बारे में अच्छे से जाने, उनकी क्या योग्यताएं हैं, किस आयु वर्ग में उनसे किस प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा की जा सकती है, इन सब के बारे में भी जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। यदि एक शिक्षक बालक के विकास एवं वृद्धि के प्रत्ययों से परिचित होगा एवं उसका प्रयोगात्मक रूप क्या है उसको जानता होगा, तो निश्चित रूप से वह शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुरूप अपने कक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम की क्रियाओं को आयोजित कर पाएगा, मूल्यांकन पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए सुनिश्चित कर पाएगा तथा किस अवस्था में उस बच्चे से किस प्रकार के व्यवहार की आशा की जाए वह सुनिश्चित कर पाएगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले चलते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये वृद्धि एवं विकास है क्या। सबसे पहले अगर हम देखें तो वृद्धि क्या है। वृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई या लंबाई में वृद्धि से होता है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। वृद्धि मुख्यतः जैविक घटनाओं पर आधारित होती है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब एक नया प्राणी विकसित हो रहा होता है तो प्रारंभ में वह एक कोशिकीय जीव होता है। धीरे धीरे उस एक कोशिका में विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से निरंतर विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है और एक जो एक कोशिकीय जीव था वह एक बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया वृद्धि को बताती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक गठन एवं मानसिक संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जा सकता है। अब हम यह देख रहे हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई भी जीव अपने आकार में वृद्धि करता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बढ़कर कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यह एक प्रकार से आकार और भार में परिवर्तन की सूचक अवस्था होती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिकीय जीव एक बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है और उसमें विभिन्न अंग तंत्र आदि का निर्माण हो जाता है। अगले चरण में बढ़ते समय हम ये देखते हैं कि विकास क्या है। वृद्धि की प्रक्रिया में जिस तरह से एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है, उसके आकार एवं भार में परिवर्तन आता है, साथ ही साथ उसमें उन कोशिकाओं का कार्यों के अनुसार विभेदीकरण की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। जब वे कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने हेतु सक्षम हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को हम विकास का नाम देते हैं। विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। जैसा कि हमने देखा कि हमने कहा कि विकास अभिवृद्धियों का संगठन है। अभिवृद्धियों का संगठन इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में जितनी भी प्रकार की अभिवृद्धियां हुई थी उन अभिवृद्धियों को
एक संगठित रूप में विकास का नाम दिया जाता है। जिस प्रकार वृद्धि में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोई भी जीव उसके आकार में वृद्धि होती है, उसके भार में वृद्धि होती है, जिसे हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, उस प्रक्रिया में उन सभी प्रक्रियाओं के साथ साथ जो उसमें अदृश्य कार्यात्मक परिवर्तन भी होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को हम विकास का नाम देते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि विकास का अर्थ उन गुणात्मक परिवर्तनों से है जिसे व्यक्ति अपने अनुभवों और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता चलता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में कुछ निश्चित विकासात्मक प्रक्रियाएं व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक आदि में परिवर्तन लाती हैं। अतः शिक्षार्थियों, हम ये समझ सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव में, किसी भी विकसित हो रहे प्राणी में बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक ओर जहाँ वृद्धि में जो परिवर्तन हो रहे थे वो हमें बाह्य रूप से मात्रात्मक रूप में दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति के आकार, उसके भार, उसकी लंबाई आदि में वृद्धि को बाह्य रूप से देख सकते थे, वहीं दूसरी ओर हमें विकास की प्रक्रिया में उस प्राणी में बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक कोशिकीय प्राणी विकसित होकर बहुकोशिकीय प्राणी में परिवर्तित हो जाता है, तो साथ ही साथ हम सभी ये भी जानते हैं कि एक बच्चा जिस प्रकार शैशवावस्था से होते हुए बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत कोशिकीय वृद्धि के साथ साथ बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, विभिन्न अंग तंत्रों का आकार परिवर्तित हो जाता है, उनकी क्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास की प्रक्रिया में वृद्धि भी देखने को मिलती है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी अंग हैं जिनका विकास की प्रक्रिया में ह्रास भी होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में किसी भी मनुष्य में अस्थियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वह विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो अस्थियों की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा यह तो हो गई शारीरिक वृद्धि की बात और उससे किस प्रकार विकास संबंधित है, साथ ही साथ विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक योग्यताओं का भी निर्माण एक प्राणी में होता है। जैसे जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो विभिन्न प्रकार की उच्च मानसिक योग्यताएं उसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार वो विकास क्रम में आगे बढ़ता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का भी निर्माण हो जाता है। वह जब शैशवावस्था में, मान लिया उसके पास शब्दकोश बहुत कम था, बहुत निश्चित शब्दों का प्रयोग वह करता था, धीरे धीरे उसके शब्दकोश में वृद्धि होती चली जाती है, वह नित नए शब्दों का प्रयोग कर सकता है, वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने अनुभव से कार्य करना है, यह विकास की प्रक्रिया में सीख जाता है। यदि हम यह कहें कि विकास के द्वारा व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह केवल मात्रात्मक परिवर्तनों तक ही सीमित होती है, इस प्रकार मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने कहा, विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं,
तो निश्चित रूप से अब हम विकास के संप्रत्यय को समझ सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वृद्धि समाहित है और उस वृद्धि के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति विकास को की ओर बढ़ता है और विकास की इस प्रक्रिया में उसमें बहुत सारे मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, शारीरिक आदि परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वृद्धि और विकास के संप्रत्यय को जानने के बाद अब यह आवश्यक है कि हम वृद्धि और विकास में क्या अंतर है यह भी जानें। सबसे पहले अगर हम देखें तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप कोई भी प्राणी के भार में वृद्धि होती है, उसके आकार में वृद्धि होती है और इस वृद्धि को आप बाह्य रूप से देख सकते हैं, जबकि इसके विपरीत विकास की प्रकृति आंतरिक होती है। यदि किसी भी प्राणी का विकास हो रहा है, विकास की प्रक्रिया में उसके अंदर जिन मानसिक योग्यताओं या शारीरिक योग्यताओं का निर्माण होता है, यह आवश्यक नहीं है कि हम उसे बाहरी रूप से देख सकें, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में अगर हम उदाहरण स्वरूप माने कि व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का निर्माण होता है, तो उन मानसिक योग्यताओं को हम किसी भी प्राणी में बाहरी रूप से नहीं देख सकते, इसका स्वरूप आंतरिक होता है। अगले चरण में अगर हम देखें तो वृद्धि की प्रक्रिया कुछ समय के बाद रुक जाती है। हमारे मानव विकास क्रम में प्रमुख अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मानी गई हैं। ये माना जाता है कि किशोरावस्था की आयु तक आते आते वृद्धि की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है और उस समय के बाद व्यक्ति में वृद्धि की प्रक्रिया बहुत हद तक रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वृद्धि की प्रक्रिया हेतु जिस प्रकार अंगों का निर्माण होना होता है, जिस प्रकार भार में वृद्धि, आकार में वृद्धि होनी होती है, वह काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुकी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया के अपेक्षा कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर किसी भी प्राणी में वृद्धि रुक जाती है तो विकास में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विकास का स्वरूप जिस प्रकार से है उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विभिन्न प्रकार की आंतरिक कोशिकाओं में कार्यों का विभेदीकरण भी होता रहता है, जो कि एक विकास की प्रक्रिया है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की अमूर्त मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक योग्यताओं का भी निर्माण जीवन पर्यंत एक प्राणी में होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अगले बिंदु में हम यह देखते हैं कि वृद्धि का प्रयोग हम बहुत ही संकुचित अर्थ में करते हैं। जैसे हमने कहा कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक प्राणी के आकार में परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से देखने में यह लग रहा है कि हमने केवल उन बाह्य परिवर्तनों को, जिनको कि हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, वृद्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। और मुख्य रूप से यह एक जैविक कोशिकीय प्रक्रिया, जिसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में होता है। विकास के लिए हम उन प्रक्रियाओं को, जिनको कि हम देख सकते हैं, के साथ साथ उन प्रक्रियाओं का भी समावेश करते हैं जो प्रक्रियाएं अमूर्त रूप से उपस्थित हैं लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। तो अतः हम ये कह रहे हैं कि विकास वृद्धि के रूप में, वृद्धि की अपेक्षा अधिक
व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। वृद्धि के लिए कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जब भी हम वृद्धि की बात करते हैं तो प्राणी जब वृद्धि की अवस्था में होता है तो शुरुआत में कोशिकीय वृद्धि में किसी भी प्रकार का निश्चित क्रम नहीं होता। प्राणी सर्वप्रथम एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, और इस प्रकार से कोशिकीय विभाजन का अनियमित क्रम चलता रहता है। और जब कोशिकाएं एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाती हैं तब विकास की प्रक्रिया में उनमें विभेदीकरण प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास की प्रक्रिया सदैव एक निश्चित क्रम में होती है। निश्चित क्रम के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में यह भी निर्धारित होता है कि किस अवस्था में विकास का कौन सा चरण प्रारंभ होगा, किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था में किस प्रकार की मानसिक योग्यताओं का विकास होगा। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है, जबकि वृद्धि की का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता और यह अनियमित रूप से होती रहती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि एक अनियमित प्रक्रिया है, वह किसी भी दिशा में हो सकती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित रूप से एक पद से दूसरे पद की ओर आगे बढ़ती है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। पहले सरल योग्यताओं का विकास होता है, उसके पश्चात जटिल योग्यताओं का विकास होता है। वृद्धि के लिए अगर हम कहें तो वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास प्रक्रिया का सदैव कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य होता है, जिससे प्राणी में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का निर्माण होता है। सबसे एक बिंदु जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि वृद्धि एक जैविकीय प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय संख्या में वृद्धि होती है, जिसको कि आप सीधे माप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के आकार में, व्यक्ति के भार में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, और वृद्धि के बारे में बताया जा सकता है कि हाँ, यह वृद्धि हुई। मान लिया एक बालक शैशवावस्था में है तो शैशवावस्था में उसका आकार, उसका भार, उसके विभिन्न अंगों का आकार क्या है, यह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और उसके आगे जैसे जैसे वह बाल्यावस्था में जाता है, वह किशोरावस्था में जाता है, तो उस समय भी आप उसके आकार, भार, विभिन्न अंगों के भार आदि को माप सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह एक वृद्धि की प्रक्रिया है। जबकि विकास की प्रक्रिया का सीधा मापन संभव नहीं है। विकास आप कभी भी सीधे रूप से नाप के नहीं बता सकते कि इतना विकास हुआ है। विकास एक प्रकार का अमूर्त प्रत्यय है, और इसको समझने के लिए हम प्राणियों में विभिन्न योग्यताओं के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में वह किस प्रकार से कार्य करने के योग्य हो जाते हैं, इस आधार पर विकास की प्रक्रिया को देख सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि वृद्धि तो हो जाती है। मान लिया एक बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था और किशोरावस्था में विकसित हो गया, उसमें वृद्धि हो गई, लेकिन विकास की प्रक्रिया न हो पाने के कारण उसके अंदर वह विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं विकसित नहीं हो पाती, जिनके आधार पर वह उस विशिष्ट आयु वर्ग के योग्य कार्य करने में सक्षम हो सके। अतः हम विकास का सीधा मापन नहीं कर सकते, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में उस व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता को करने की योग्यता का मापन करके विकास की प्रक्रिया के बारे में आकलन कर सकते हैं। अगले चरण में हमें यह देखना है कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं।
विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के विकास के सिद्धांत बताए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। शिक्षार्थियों, यहाँ पे ये जान लेना आवश्यक है कि विकास हमेशा एक दिशा में होता है। विकास की दिशा अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम मनुष्यों के विकास की बात करें तो मनुष्यों के विकास की दिशा शिरोवक्ष रूप में होती है, अर्थात यहाँ पर मनुष्यों का विकास सबसे पहले सिर की तरफ से होता है और उसके बाद धीरे धीरे वह नीचे पैर की तरफ बढ़ता है। इसे हम अंग्रेजी में सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब विकास की इस दिशा का जो निर्धारण है वह समस्त मानव जाति के लिए एक जैसा है। वह चाहे किसी भी अवस्था में रखा गया हो, किसी भी स्थान में हो, लेकिन विकास हमेशा शिरोवक्ष दिशा में ही होगा। तो यह प्रथम सिद्धांत है कि विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। विकास का अगला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसा कि अभी हमने पहले भी जाना कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में होती रहती है। वह प्रक्रिया हमें उसके विभिन्न योग्यताओं, उसके अनुभव, उसकी कार्यकुशलता आदि में दिखाई देती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास का अगला सिद्धांत है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास हर एक प्राणी में अलग अलग गति से होता है। यह आवश्यक नहीं कि दो बालक अगर एक आयु वर्ग के हैं तो उनका विकास एक जैसा ही होगा। विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वह शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, प्रत्येक व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। और निश्चित रूप से विकास की गति में यह व्यक्तिगत भिन्नता किसी भी व्यक्ति के कुछ आनुवांशिक कारकों, साथ ही साथ कुछ वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए जो प्राणी जिस प्रकार के वातावरण में है या उसके अंदर जिस प्रकार के आनुवांशिक गुण हैं, उसी के द्वारा निर्धारित होते हुए उसके विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और विकास की गति में इसीलिए प्रत्येक प्राणी में भिन्नता देखने को मिलती है। विकास का अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुरूप में हम यह देखते हैं कि विकास हमेशा एक क्रम से होता है। जैसे कोई भी बालक है, वह सबसे पहले अगर भाषाई विकास के क्रम में होता है तो वह सबसे पहले छोटे छोटे अक्षरों को बोलना सीखता है और उसके बाद वह जटिल शब्दों का निर्माण सीखता है। विकास का अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी परस्पर संबंधित रूप से ही आगे बढ़ते हैं। विकास का अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत में यह कहा जाता है कि विकास का जो एक प्रक्रिया है वह किसी भी प्रजाति विशेष के लिए एक समान प्रतिमान पर आगे बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रियाओं में सबसे पहले प्राणी सामान्य प्रक्रियाओं को विकसित करता है और उसके बाद उसमें वह सामान्य प्रक्रियाएं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। विकास का अंतिम सिद्धांत वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि विकास की प्रक्रिया के निर्धारण में वंशानुक्रम एवं वातावरण, यह दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इन दोनों के ही संयुक्त प्रभाव से किसी भी प्राणी का विकास पूर्ण होता है। इस प्रकार विकास के सिद्धांतों को जानने के पश्चात अब हमें यह आवश्यक है कि विकास और वृद्धि में क्या संबंध है, यह हम जान लें। वृद्धि तथा विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यह ज्ञात होता है कि विकास की अवधारणा में वृद्धि की अवधारणा निहित होती है। अगर हम यह चित्र देखें तो विकास एक समग्र प्रत्यय है जिसमें गुणात्मक प्रक्रियाओं के विकास का समावेश होता है, जबकि वृद्धि की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया का एक छोटा भाग होता है और यह प्राणी में मात्रात्मक रूप से वृद्धि के सूचक है। वृद्धि की प्रक्रिया के साथ साथ कुछ कुछ आकृतियों का क्षरण भी होता है, कुछ पुरानी आकृतियां टूटती हैं, खत्म होती हैं और कुछ नई आकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार वृद्धि एवं क्षरण, यह दोनों प्रक्रियाएं मिलके विकास की एक संपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण करती हैं। यदि हम कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया के बारे में हमें देखना है तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में वृद्धि एवं क्षरण की प्रक्रियाएं समाहित हैं। तो इस प्रकार शिक्षार्थियों, आज हमने विकास एवं वृद्धि के संप्रत्ययों के बारे में जाना। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है इसको स्पष्ट रूप से देखा। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं उनका अध्ययन हमने सिद्धांत के रूप में किया। रिपीट, विकास के हमने विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया तथा अंत में विकास और वृद्धि में परस्पर क्या संबंध है इसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।